हेलो फ्रेंड, ये चना दाल है और इसमें 10 ये मूंगफलियां हैं जिसे मैं 24 घंटे फुला के रखी थी। अब मैं इसे तलने जा रही हूँ। तो सरसों ऑयल देख लीजिए, कढ़ाई में इतना सा सरसों ऑयल डाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये लहसुन मिर्च है तो इसमें पहले मैं, और ये जीरा है, 1 चम्मच जीरा है। फ्रेंड देख सकते हैं, तो मैं डालती हूँ इसमें। तो फ्रेंड देख सकते हैं, बस अब हमें इसे इतना ही तलना है। ये दाल और मूंगफली तल चुकी है, तो इसे हम 10 मिनट तक ऐसे ही चलाते गए हैं और फुल फ्लेम पे ही चलाते गए हैं। तो ये तल गई है। और इधर हम देख सकते हैं मट्ठे को, दही को इसे मत के रख लिए हैं। और ये नारियल है, तो ये नारियल है जिसे हम मिक्सर जार में डाल रहे हैं। इसमें हम जीरा पहले से पीसे थे, तो इसे भी हम पीस लेंगे सब मिक्स करके। तो इसमें हम थोड़ा सा मट्ठा मिलाते हैं, इस तरह से पीसेंगे। सब मट्ठा और मिला लेते हैं इसमें। तो ये हम थोड़ा सा 1 चम्मच मट्ठा फिर मिलाए हैं। हम देख सकते हैं इसे अच्छे से हम पीस लिए हैं और मट्ठे में इस तरह मिला दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह मिला दीजिए हैं, इसे गाढ़ा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इतना थिक हम बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। तो इसमें हम मिला देते हैं नमक, तो इसमें वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट दोनों मिला दिए। तो टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक मिला दिए। तो किसी को फ्राई करना है तो एक बार फिर फ्राई कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये रही इडली की चटनी, तैयार है। अब आप इधर देख सकते हैं, ये चावल है जिसे मैं 24 घंटे तक फुला के रखी थी। तो इसे मैं अच्छे से धुल ली हूँ। तो ये चावल है, ये घर का चावल है। ये उड़द की दाल है, ये 2 कटोरी है, और ये भी 2 कटोरी चावल था। अब फुल की दाल है, तो आप देख सकते हैं। तो इसे हम पीस लेंगे अच्छे से, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये इडली के लिए है, और दिखाते हैं आपको। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे इसी जार में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये इडली का बैटर है और ये बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसको आपको दिखाई नहीं थी, तो मैं इसे 2 घंटे के लिए धूप में छत पे रख दी थी। तो ये इस तरह से अब हम इसको थोड़ी फेटेंगे, और एक ही पोर्शन में फेटना है। ये अब हम थोड़ा सा, ये मीठा सोडा है खाने वाला, देख सकते हैं, ये मीठा सोडा पाउडर है। तो इसको हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें। तो ये देख सकते हैं, इससे क्या होता है ना कि ये फूलने वाली जो भी हमारी रेसिपी होती है कि ये थोड़ी सी फूल आए, तो फूल आती है। तो स्पंजी बनेगी जल्दी। तो ये हमारी दादी नानी के ज़माने से मीठा सोडा सब लोग डालते हैं, ये दाल वाली चीज़ों में जो बनाते हैं, तो इसलिए। तो ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। अब तो मैं अब इसे देखिए किस तरह से, इसमें देख सकते हैं मैं इडली जार में ये लगा चुकी हूँ। तो ये ऑयल लगा हुआ है इसमें,
तो थोड़ा थोड़ा बेटर हम इसमें डालेंगे। देख सकते हैं इसमें पानी, तो इसमें हम इस तरह पानी डाल के रखे हुए हैं। लकड़ी को भर के रख लेंगे। देख सकते हैं इडली बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चम्मच में नहीं लग रहा है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी इडली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, तब तक हम ऐसे ही निकाल के रख देंगे बाहर। तो ये सरसों ऑयल है, कुकर में डाल दिए हैं। और चलिए दिखाते हैं सांभर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सांभर के लिए हम क्या क्या लेके रखे हैं, तो देख लीजिए। ये बैंगन है और गाजर है, नीचे मैं एक पूरी 1 केजी लौकी काट के रखी हूँ। तो ये सब हम इसमें पकाएंगे। और ये थोड़ा सा मटर है, ये मिर्च है, आप ले सकते हैं लहसुन भी, जितना चाहे उतना लहसुन भर भर के डाल सकते हैं। तो आज मैं नहीं डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर डालिएगा, स्वाद अच्छा आता है। हमारे यहाँ नहीं खाया जाता इसलिए नहीं डालते। और ये अरहर की दाल है जिसे मैं अच्छे से धुल ली हूँ, तो इसको भी सब मिक्स करेंगे। ये टमाटर है, 2 बड़े टमाटर हैं, इसे मैं काट ली हूँ। तो और इसमें 3 बैंगन थे और 1 गाजर है। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं, तो बने रहिए। तो तेल गर्म हो गया, तो ये सरसों दाना, थोड़ी सी मेथी दाना, जीरा, और ये हींग। और हम इसमें डालते हैं ये आलू। तो ये सब भी हम डाल देते हैं। ये जो सांभर मसाला हम इसको लास्ट में डालेंगे। डाल दे रहे हैं और साथ में नमक भी। तो ये हम 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल रहे हैं। जैसे दाल भी है, टमाटर भी है, अभी मिक्स करेंगे, तो उस क्वांटिटी के अनुसार। मिक्स कर दे रहे हैं। और ये दाल को अभी पीला रंग में इसमें पानी मिला देते हैं। तो अब हम इसमें मिला देते हैं पानी। Thank you.
दीजिए, कुकर बंद कर दिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी स्पंजी बनी हुई है, ये देखिए, देख सकते हैं आप इस तरह से कितनी स्पंजी बनी हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाएं खाएं, ये देखिए। तो चलिए सांभर भी रेडी हो जाए, फिर चटनी के साथ हम इसे दिखाते हैं, सर्व करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये मैं डाल दी सांभर मसाला। तो चलिए इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी इडली और सांभर मसाला, और ये साथ में रही चटनी, ये देखिए चटनी। ये बहुत ही स्पंजी मेरी इडली भी बनी हुई है, और इसमें हम नमक भी मिलाए थे, मीठा सोडा के साथ साथ नमक भी मिलाए थे इडली में, जो कि बहुत ही असादा भी, ऐसे भी आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये चटनी तो हम देख ही चुके हैं रेसिपी में, शुरुआत में ही बनाए हैं इसे। और ये रहा सांभर, तो इसी तरह आप लोग बनाइए, खाइए और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करिए और खिलाइए।